कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी मनोज सिकरवार ने बताया कि साल 2018 में दादाबाड़ी निवासी राजेंद्र शर्मा ने बेनिफिट कंपनी के अनीस गोयल से करीब 1,55,00,000 रुपए का लोन एक ट्रस्ट कंपनी बनाने के नाम पर लिया था, जिसके बाद उसने लोन वापस नहीं किया और ऐसे में पीड़ित ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी को ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सत्रह में राजेंद्र शर्मा निवासी दादाबाड़ी नाम के व्यापारी ने 1,55,00,000 रुपए का लोन अनीस गोयल बेनिफिट ट्रस्ट से लिया था और जो उसने नहीं लौटाया। इस संबंध में अनिल गोयल जो ट्रस्टी है उसने मुकदमा दर्ज कराया था थाने पर, जिसमें बाद अनुसंधान राजेंद्र। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।